हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ बहुत बड़ी जॉब रिगार्डिंग नोटिफिकेशन, जहाँ पे 20,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी निकल के आए इस बार SSC की तरफ से। और ये जो अपडेट निकल के आए 17th of September 2022, जिसका लास्ट डेट है 8th of October 2022 तक आप लोग जो है यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। अप्रॉक्स 20,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज निकल के आया है, जहाँ पे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की तरफ से इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इंफॉर्मेंस सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पोस्ट। तो यहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर एप्लीकेशन करना है, आप लोगों को एक एक जानकारी बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि क्लियरली आप लोगों को बता दिया जा रहा है कि अप्रॉक्स 20,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज जो है इस बार निकल के आया है। SSC के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। ग्रुप सी के एप्लीकेशन करने के लिए जो कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को बता देता हूँ, एज क्राइटेरिया की अगर बात करें तो 18 से 27 ईयर्स तक आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। फॉर जनरल ST के लिए यहाँ पे 18 से 30 ईयर्स तक आप लोग यहाँ पे एज रिलेक्शन आपको मिलेगा। 5 ईयर्स फॉर एज रिलेक्शन SC ST कैंडिडेट। OBC के लिए 3 ईयर, PWD के लिए 10 ईयर्स की एज रिलेक्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे और एक बता दिया जा रहा है, अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते एप्लीकेशन के लिए। और एप्लीकेशन के साथ साथ आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे एप्लीकेशन करने के वक्त आप लोग जो है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, उसके बाद आप लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो क्लियरली बताया गया जा रहा है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते। तो जितने भी पोस्ट यहाँ पे निकल के आए, और एक पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री जो है मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर आप कोई भी स्ट्रीम से कंप्लीट कर चुके तो आप लोग भी यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। 100 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फ़ीस आपको देना पड़ेगा। SC ST OBC के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपको नहीं चाहिए। यहाँ पे और एक बात बता दिया जा रहा है कि अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन कर रहे हो तो SSC के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाके आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। एग्ज़ाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया में रहने वाले, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो वेस्ट बंगाल, सिक्किम, हर एक के लिए यहाँ पे पास में ही पूरा डिटेल दिया गया है। उसी के जो है यहाँ पे देख सकते हो, एंड एग्ज़ाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया में होने वाले। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है सिलेक्शन दिया गया है, Tier 1 Tier 2 के ऊपर एग्ज़ाम होने वाले, उसके बाद आपको सिलेक्शन किया जाएगा। अभी सिलेबस की अगर बात करें तो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इस तरह के जो है सिलेबस आपके रहने वाले। इसके साथ साथ अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपको Tier 1 Tier 2 इंटरव्यू, इन सारे जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे सिलेक्टेड होने वाले हो। तो जल्दी से जाके एप्लीकेशन कर दीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा जहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हो। आज की वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म करने वाला हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।